मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, रावण जब होगा तब भी इतना अहंकारी नहीं होगा जितना आज के सदन के नेता रहे। मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में कहीं भी सदन ऐसा होगा जहाँ लोकतंत्र है, इतनी अमर्यादित असंसदीय मंत्री का कार्य कभी नहीं रहा होगा जितना इनका रहा। एक आजदी जो उसका धर्म बनता है कि सदन को चलाएं, वो इतनी बड़ी घंटी बजाता हुआ इससे पहले कभी नहीं दिखा हो जितनी ये रहे। मतलब अद्भुत, एक महिला सदस्य जो सत्ता पक्ष की थी रोने लगी, अपने पति को गिरफ्तार कर लिया, फिर क्या सौदा हुआ सदन के अंदर, सौदा इससे पहले विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा जो यहाँ हुआ। मैं समझता हूँ कि क्या है ये बीजेपी, अहंकार का पर्याय है भारतीय जनता पार्टी। अंतिम 3 महीने की सरकार और अंतिम 3 महीने का मुख्यमंत्री, आप देखते जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी। जो कहने का आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने तेवरों को आक्रामक कर लिया है। अनिश्चितकाल के लिए जिस तरह से सदन को स्थगित किया गया, उससे कांग्रेस काफ़ी नाराज यहाँ पर नजर आ रही है और उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो लड़ाई सदन के बजाय सड़क पर लड़ेगी। आपातकाल पर डिस्कशन और उसके बाद जिस तरह से नीलम मिश्र का जो मुद्दा छाया रहा, उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री संजय पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, कैसे आप देखते हैं, काफ़ी चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन वो चर्चा हो नहीं पाई सत्र में? देखिए, बड़ा दुखद है, कांग्रेस का जो रवैया है बड़ा अलोकतांत्रिक है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने सत्र के दौरान लगातार प्रश्नकाल पे व्यवधान उत्पन्न किया, शून्यकाल पे किया, ध्यानाकर्षण पे किया, विधेयक पे किया, हर चीज़ों पे, पूरे बिजनेस पे कांग्रेस पार्टी ने केवल हंगामा खड़ा किया, हल्ला गुल्ला खड़ा किया और सत्र को समाप्त करके आज इनने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वो अविश्वास प्रस्ताव को लाना चाहती है लेकिन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। देखिए, थोड़ा इसके गहराई पे जब जाके आप पता करेंगे, ये बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है, अरे इनको आज जनता की ज़रूरतें याद आ गई, इनको अविश्वास प्रस्ताव आज याद आ गया जब 3 महीने बाद चुनाव है। ये केवल चुनाव के लिए दिखावा करने का था और अविश्वास प्रस्ताव भी अगर कभी दिया जाता है, कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो क्या उसमें दस्तखत किए जाते हैं कि नहीं? बगैर दस्तखत किए प्रस्ताव दे दिया, बोले हम विधिवत बाद में देंगे, तो क्या विधानसभा क्या हंसी खेल के लिए आप सादे कागज़ भेज देंगे, बगैर दस्तखत किए कागज़ भेज देंगे और फिर बोलेंगे हम बाद में कर देंगे दस्तखत? तो ये तो केवल इनका उद्देश्य एक दिखावा करना, हंगामा खड़ा करना, मीडिया को आकर्षित करना, बस ये था। लेकिन आज बड़ा दुखद है कि कांग्रेस के हंगामे के कारण इस सत्र का समापन हुआ। ये बड़ा दुखद है आज का दिन, लोकतंत्र के लिए बड़ा काला दिन है ये, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को दोषी मानता हूँ। आपके सवाल, जिस तरह से नीलम मिश्र का जो पूरा प्रकरण सामने आया, बीजेपी उसे किस तरह से देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पति कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो क्या ये आप उसको राजनीतिक मूवमेंट के तौर पर देखते हैं या फिर आपको लगता है सही में उनके साथ अन्याय हुआ है? देखिए, मैं इसमें एक जरूर कहना चाहूँगा कि आपका जो इंडिया फर्स्ट चैनल है और आपके मीडिया के लोग रीवा में भी होंगे, तो अगर उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है तो कितने प्रकरण दर्ज हैं, कितने केस हैं अभय मिश्रा जी के ऊपर, तो पूरे अगर आप पुलिस से निकलवाना चाहेंगे तो सारे निकल आएंगे। और देखिए, कोई भी अगर अनैतिक काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, कानून को हाथ में लेता है, कानून का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो कहीं पे भी इसको कांग्रेस या भाजपा से जोड़ के ना देखा जाए, एक अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को रूप में देखा जाए। संजय पाठक जी, तो कहने के बेहद संतुलित होकर यहाँ पर जवाब देते नजर आ रहे हैं मंत्री, और कहने के नीलम मिश्रा का जो प्रकरण है उसको एक सामान्य कानूनी कार्रवाई के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस इस सत्र को लंबे समय तक चलाने की पक्षधर थी, वो चाहती थी कि सरकार को घेरे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो कार्रवाई को जल्द खत्म कराने में कामयाब हो पाई है और एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस अब सदन के बाहर सड़क पर उतरने के लिए तैयार खड़ी है। कैमरामैन सुजीत लांजेवार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। सोशल मीडिया यानी सूचनाओं का संसार, सोशल मीडिया यानी सूचनाओं की बौछार, लेकिन क्या सही क्या छलावा पहचानना मुश्किल। तेज रफ्तार सोशल मीडिया में प्रमाणिकता एक चुनौती, सोशल मीडिया की इस चुनौती के बीच आपके लिए सही खबर लाना हमारा मिशन। सोशल मीडिया में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट। When on social media you can trust India First. Mission for the nation.